नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही वर्षों में इतिहास भर में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। आज 7वां विश्व योग दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस बार योग दिवस का थीम है स्वास्थ्य के लिए योगा। कोरोना के कारण पिछली बार की तरह इस बार भी जगह जगह भीड़ भाड़ जुटाने से गुरेज किया गया है। ताजनगरी आगरा में जगह जगह योग कार्यक्रम हुए। योग गुरु राजीव शर्मा के द्वारा सुबह 6 बजे डिफेंस स्टेट के पार्क में योग कराया गया, तो वहीं 7 बजे आगरा ग्वालियर रोड स्थित पीएस गार्डन में योग कराया गया। वहीं ऑनलाइन के माध्यम से क्षेत्रीय निवासियों को योगा के लिए जोड़ा गया। योग गुरु राजीव शर्मा ने बताया है कि योग करने से हमारा शरीर निरोगी रहता है, हमें योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। पूरी दुनिया में योग से ही कोविड-19 जैसी महामारी पर विजय पाई जा सकती है। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के साथ साथ योग भी हमारे जीवन में अति आवश्यकता है। तो वहीं विश्व गुरु श्री रामस्वरूप आचार्य जो कि चित्रकूट से पधारे हुए थे, उन्होंने भी योग के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि योग हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। वहीं ऋषि मुनियों सदियों से योग करते चले आ रहे हैं, तो योग हमारे लिए आवश्यक है और जो व्यक्ति योग करेगा वो कभी निरोग रहेगा, कभी उसको रोग नहीं होगा। वहीं आज के भौतिकवाद युग में योग अति आवश्यक है। कोविड-19 जैसी महामारी में एक तरफ यहाँ ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों ने अपनों को खोया है, ऐसे में योग के सहारे से डॉक्टरों ने भी योग का सहारा लेने की बात कही है। तो योग करें, निरोग रहें और योग को ही अपने जीवन में अपना लें। उसी प्रकार आगरा आर्ट गैलरी म्यूजियम सेवा केंद्र की तरफ से भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग का मुख्य उद्देश्य बताया गया कि मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना है, साथ ही कोरोना के चलते इस बीमारी को योग और योगा के द्वारा कैसे काबू पर पाया जा सकता है, इस विषय पर भी ध्यान आकर्षित किया गया। साथ ही विभिन्न आसनों के द्वारा कैसे हम जान सकते हैं कि योग पर काबू पाया जा सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम आपको दिखाएंगे ताजनगरी आगरा की पल पल की खबर है कि किस प्रकार योग हमारे लिए आवश्यक है। वहीं योग का मुख्य उद्देश्य बताया गया है मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना, साथ ही कोरोना के चलते बीमारी पर योग के द्वारा आकर्षित किया जाता है। वहीं विभिन्न आसनों के द्वारा कैसे शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। बीके इंचार्ज मधु दीदी माला दीदी ने बताया है योग की आज इस दुनिया में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज की दुनिया में मनुष्य मानसिक तौर से बहुत ही कमजोर हो चुके हैं और इस मानसिक बीमारी दूर करने का एक ही उपाय है योग। योग के द्वारा हम अपने मन और समाज और विश्व को भी एक नई राह दिखा सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है वक्ताओं का। वहीं आपको बता दें कि ग्राम पंचायत नौबरी में भी राजीव धनगर यानी योग गुरु के द्वारा ग्राम प्रधान पति महिपाल यादव की योग कराया गया। मैं कामत के पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामस्वरूपाचार्य चित्रकूट धाम से आया हूँ और आगरा शहर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं उपस्थित हूँ। राजीव शर्मा जी जो योग गुरु हैं, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया पीएस गार्डन में। यहीं मैं जब भी आता हूँ तब यहीं रुकता हूँ। योग दिवस का कार्यक्रम आज पीएस गार्डन में हुआ। योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश ने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई और उन्होंने योग के प्रति पूरी दुनिया को सजग किया और योग से पूरी दुनिया को जोड़ने की प्रेरणा दी। ऋषि परंपरा का ये स्वरूप है।
हमारे जीवन में चाहे कोई गृहस्थी क्यों ना हो, अगर वो नित्य प्रति योग करता है तो वो ऋषि ही माना जाता है। भले ही वो भेद से ना हो, लेकिन उद्देश्य उसको हम संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए निश्चित रूप से हमें योग करना चाहिए। कोरोना से निजात पाने के लिए तो योग 101% आवश्यक है, मुख्य है। यदि आप औषधियों के सहारे इस वैश्विक महामारी से दूर होना चाहेंगे तो धोखा हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि कोई अगर योग करता रहेगा तो उसे निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी से छुटकारा मिल ही जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज। आज हम सप्तम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पर्व मना रहे हैं। कोरोना काल में सभी ने जाना, विश्व ने जाना कि योग की क्या महिमा है। योग से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था तब डॉक्टरों ने भी पेट केवल किए जाने वाला जो गहरा लंबा सांस का अभ्यास है वो भी बताया। और हम जब योग करते हैं तो कई ऐसे हमारे आसन होते हैं कि पेट केवल होते हैं। योग करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता। अगर हम नित्य प्रतिदिन नियमित योगासन करेंगे, अपनी दिनचर्या सही रखेंगे, तो हम आज भी हमारी जो औसत आयु है 100 साल, तब तक हम स्वस्थ रहेंगे। हमने कई ऋषियों को देखा है कि 100 साल के बाद भी अपनी दिनचर्या को उन्होंने इस प्रकार से बनाया है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सारा काम स्वयं करते हैं। तो इस भौतिकवादी युग में हम मशीनों के अधीन हो गए हैं। AC में हमारा जीवन हो गया है, पेड़ पौधे कट रहे हैं। तो योग साधना सेवा समिति के माध्यम से समाज में, विश्व में ऐसा संदेश दिया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाकर मंदिरों पर, धर्म के स्थल पर, सामाजिक जगह पर, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़े। योग के अलग अलग शिविर लगाकर रोग निवारण शिविर का आयोजन भी किया जाता है अलग अलग जगहों पर, विभिन्न विभिन्न प्रकार के। और कोरोना काल में भी ऑनलाइन के माध्यम से ऐसे प्राणायाम, ऐसा ध्यान और आसन बताए गए जिससे कि लोग अपने कोरोना जो रोग वायरस जो इस समय बीमारी बहुत भयंकर फैला, उससे अपने को बच सकें और अपने को मजबूत बना सकें। मेरा नाम रविंद्र सिंह है, ये PS गार्डन है अपना, ये मैं ओनर हूँ। और आज हमारे यहाँ जो कार्यक्रम योग गुरु राजीव शर्मा जी ने किया है ये बहुत ही अच्छा है। और हमारे यहाँ मेरे गुरु जी रामस्वरूपानंद शंकराचार्य जी जो आए हुए हैं चित्रकूट से, वो भी आए थे। योग तो ऐसा है कि योग करोगे तो निरोग रहोगे, वो बहुत ही अच्छा लगा। और ये राजीव शर्मा जी तो 20-25 साल से सेवा दे रहे हैं जनता की, और इनका तो हम मतलब बहुत प्रशंसा कर सकते हैं इनकी तो, कि भाई इनके द्वारा बहुत मतलब ठीक हुए। लेडीज हैं, जेंट्स हैं, योग के माध्यम से इन्होंने बहुत मतलब आपने भी योग किया? हाँ, मैंने भी योग किया। मैं वैसे करता रहता हूँ घर पे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं जानता। योग गुरु जी हैं ये हमारे, ये तो मतलब 20-25 साल से सेवा दे रहे हैं जनता की। आपको बता दें कि आगरा के PS गार्डन, आगरा ग्वालियर रोड रोहता स्थित, आज योग गुरु राजीव शर्मा एवं चित्रकूट से पधारे हुए श्री रामस्वरूप आचार्य जी महाराज के द्वारा आज यहाँ योग का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी को बताया गया कि योग हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा। मेरा नाम राहुल लवानिया, मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं महानगर कार्यालय सुल्तानपुरा ब्राह्मण परशुराम सेवा सदन में महानगर अध्यक्ष शुक्ला जी द्वारा एवं महानगर उपाध्यक्ष पांडे जी द्वारा आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। सभी विप्र बंधुओं द्वारा आज यहाँ योग किया गया, एवं आगे भी हर रविवार को यहाँ महानगर कार्यालय पर योग किया जाएगा। और सभी ने यह दृढ़ संकल्प लिया है कि आगे योग करते रहेंगे और समाज के लिए तन मन धन तीनों से तत्पर रहेंगे, और ऐसे ही विप्र समाज एवं हिंदुत्व के लिए, विप्र समाज के साथ साथ हिंदुत्व के लिए भी हम लोग आगे आएंगे। और समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होगी उसके साथ हम 24 घंटे खड़े हुए हैं सेवा में, निस्वार्थ भाव से। हमें कोई पार्टी नहीं चलानी, कोई राजनीति नहीं करनी, हम केवल समाज के लिए लड़ते हैं और समाज के लिए लड़ते रहेंगे। मेरा नाम शुभ, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राहुल लवानी जी द्वारा, आदरणीय महानगर अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी द्वारा आह्वान किया गया था
विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था यहाँ पर छावनी विधानसभा, ग्रामीण विधानसभा ऐदमादपुर, महानगर कार्यकारिणी, छावनी परिषद कार्यकारिणी, अनेक वार्ड अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर योगासन किया सबने। राहुल लंबानी जी द्वारा आदेश दिया गया है कि प्रत्येक रविवार के दिन, जिस दिन अवकाश रहता सभी लोगों का, हम सभी ने संकल्प भी लिया है कि प्रत्येक रविवार के दिन यहाँ एकत्र होकर योग किया करेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारे कार्यक्रम अच्छे होते रहेंगे, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कितना भी कमा लें वो किसी भी प्रकार से काम नहीं आएगा। तो आदरणीय राजेश शुक्ला जी द्वारा जो आदेश मिल चुका है, प्रदेश अध्यक्ष राहुल लंबानी जी द्वारा जो आदेश मिला है, उस आदेश का पालन होगा। कार्यकारिणी महानगर मौजूद है और आगे से जितने भी हमारे कार्यक्रम होंगे, महानगर कार्यालय नवगठित हुआ है हमारा परशुराम सेवा सदन पर, यहीं पर आयोजित हुए। जय श्री परशुराम। मेरा नाम राजेश धनगर है। योगा दिवस है और पिछले एक महीने से इसी पार्क में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे नौजवान साथी प्रातःकाल आते हैं और मेरे साथ योगा करते हैं। इसका सीधा सा संदेश है कि स्वस्थ रहने के लिए और अभी चल रही कोरोना जैसी महामारी में सबसे बड़ा फायदा केवल योगा ने किया है। इसलिए हमारा एक संदेश है कि योगा जन जन तक पहुंचना चाहिए और जन जन को करना चाहिए, जिससे ऐसी बीमारियों से छुटकारा मिल सके। इसलिए हमारा है कि जनता में जन जागरण करना, योगा की बात को उनके हृदय तक बिठाना। यादव ग्राम प्रधानपति, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। आज योगा दिवस के रूप में हम प्रेरणा लेते हैं कि योग करें, जिससे क्या है शरीर स्वस्थ रहे और मानसिक बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। योग ऐसी एक कला है जो ऋषि मुनि तब अपने काल में किया करते थे, जिससे उनका शरीर स्वस्थ भी रहता था और अच्छी युवा मतलब उम्र ज़्यादा जीते थे। आज के इस दैनिक जीवन में कई ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं जो शरीर को कष्ट पहुंचाती हैं और जो कि योगा करने से दूर भाग सकती हैं। इसलिए आज हम पूरी ग्राम पंचायत नौबरी की तरफ से और क्षेत्र की तरफ से सभी से एक अपील करते हैं कि आने वाले समय में हर व्यक्ति अपने घर में जहाँ गार्डन में योगा करे, जिससे अपना शरीर स्वस्थ रहे और मानसिक बीमारियों से दूर रह जा सके। जी सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं ब्लॉक बरौली हरी से बिलोंग करता हूं और मैं सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हूं और भारत सरकार द्वारा ये नेहरू युवा विकास केंद्र के द्वारा ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, इसमें मैं उपस्थित हूं और श्री मेरे सहयोगी दीक्षा परमार भी इसमें सम्मिलित हैं। नौबरी के गाँव के प्रधान जी हमारे महिपाल यादव जी ने मुहिम छेड़ी हुई है योग की, और जिससे कि यहाँ के तो लोग आते ही आते हैं, अन्य गांवों के लोग भी आकर के यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे योग प्रशिक्षक राजेश धनकर जी द्वारा काफ़ी एक अच्छा और क्या कहते हैं सामाजिक कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसके लिए शहरों में अन्य शहरों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर फीस लेकर के ये योग का कार्यक्रम कराते हैं, कॉलोनियों में कराते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिल रही है सुविधा। तो मैं नौबरी गांव के आसपास के गांव के जुड़े हुए लोगों से सभी से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उर्मिला फार्म हाउस में आकर के योग करें। इस वक्त मौजूद हुआ मेरे साथ ताजनगरी आगरा की ब्लॉक बरौली अहिर की ग्राम पंचायत नौबरी में, और नौबरी में योग गुरु राजेश धनकर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप देख सकते हो किस प्रकार युवाओं को योग कराया जा रहा है। उनका कहना है कि योग करोगे तो निरोग रहोगे और कोरोना जैसी महामारी में शरीर को जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ेगी और हर रोग से योग के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि योग करें और मस्त रहें। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।